देखो नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ का होता है इफ के अंदर इफ, है ना। इफ एल्स इफ था कि एक इफ के बाद दूसरा इफ, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब एक से ज्यादा इफ रहेंगे। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से कितने भी हो सकते हैं लेवल्स, है ना। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि सपोज अपने पास वैल्यूज जो होते हैं वो मल्टी लेयर्स पे चेक करने होते हैं। जैसे मान लिया हमें रिजल्ट चेक करना है कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, टेस्ट चेक करेंगे। यदि वो टेस्ट में 90 से ऊपर लाया तो ही वो क्या करेगा, मेंस के लिए एलिजिबल होगा। फिर मेंस में 90 से ऊपर आया तो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा, और इंटरव्यू में 90 से ऊपर आया तो सेलेक्टेड, अदरवाइज इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ। और यहीं पे यदि मेंस में नहीं हुआ तो मेंस में सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे मल्टी लेयर पे प्रोग्राम बनाने हैं तो अपन क्या करेंगे, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए के ले लिया, अब यहाँ इनपुट करवा लेंगे, है ना, प्री टेस्ट। यदि प्री टेस्ट में 90 से ऊपर आया तो फिर वो मेंस के लिए पूछेगा, मेंस में 90 से ऊपर आया तो इंटरव्यू के लिए पूछेगा, और इंटरव्यू में 90 से ऊपर आया तो रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज इंटरव्यू में फेल, अदरवाइज मेन में फेल, ठीक है, अदरवाइज समझ में ये चीज। इसमें होना सब लोग, चलो करो, निकालो अपना मोबाइल, लिखते जाओ और करते जाओ फटाफट, जहाँ दिक्कत है पूछो। आगे पढ़ना है लूप, है ना, इटरेशन, ठीक है। ना लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है, क्या होता है रिपीटेशन, चीजों को रिपीट करवाना। जब भी कोई चीज हो उससे एक से अधिक बार रिपीट करवाना हो, मान लिया हेलो 10 बार प्रिंट करवाना हो, ठीक है, इस तरह से। अभी कितनी बार करेगा वो भी सेट कर सकते हैं। तो लूप जो होते हैं वो जनरली, है ना, दो टाइप के होते हैं, इंट्री लूप और एग्जिट लूप, ठीक है, इंट्री लूप और एग्जिट लूप। इंट्री लूप के अंदर में, है ना, जो कंडीशन चेक होता है वो लूप में एंटर होते वक्त चेक होता है, और एग्जिट लूप में लूप से बाहर निकलते वक्त चेक होता है, ठीक है। इंट्री लूप में कौन कौन से होते हैं, वाइल, फॉर, फॉर इन, फॉर आउट, फॉर इच, और एग्जिट लूप में सिर्फ एक होता है, डू वाइल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वाइल से काम करना। वाइल का सिंटेक्स क्या होता है, वाइल जो है वो बुलियन पे काम करता है, किस पे, बुलियन पे। जैसे इफ जो था वो बुलियन पे काम करता था ना, ठीक है, इफ जो है वो बुलियन पे काम करेगा, जब तक उसको ट्रू मिलेगा यहाँ पे वो, है ना, अंदर आएगा और वो चलता रहेगा बार बार, ठीक है। जैसे हमने लिखा वाइल ट्रू, अब ये हेलो कितनी बार प्रिंट करेगा, इनफाइनाइट, या ट्रू लिख के छोड़ दिया है ना तो चलता ही रहेगा। अरे ट्रू लिख दिया ना, ट्रू लिख दिया मतलब वो यहाँ बार बार ऐसे घूमता ही रहेगा, हाँ। और स्पेसिफिक टाइम तक चलाना है तो एक वेरिएबल ले लिया, जैसे 1 है, 10 बार चलाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, एन लेस देन 10, तो
उसके बाद यहाँ प्रिंट हो जाएगा और एन प्लस प्लस बढ़ता जाएगा। देखो कितने बार चल रहा है, 10 बार। क्यों 10 बार चल रहा है? क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, 10 बार जा रहा है। जब तक एन 1 है, एक एक बढ़ता जाएगा, है ना। कब तक बढ़ेगा ये लूप, कब तक चलेगा? जब तक एन की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। अब यहाँ 5 कर देंगे तो कितनी बार चलेगा? 5। समझ में आया? इसको उल्टा कर देंगे तो मान लिया यहाँ पे कर दिया 10, तो फिर यहाँ क्या करना पड़ जाएगा? यदि उल्टा चलाना है तो ग्रेटर 1 तक आना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, उल्टा आ गया। ठीक है, ऐसे मुझे सपोज 5 का टेबल प्रिंट करना है ना। क्लियर है? तो अपन क्या करेंगे, फाइव इंटू एन, मतलब 5 × 10 फिर घट के 9 हो जाएगा, 5 × 9, ठीक है ना। फिर एक घट के 8 हो गया, 5 × 8, अगली बार एन घट के कितना हो जाएगा? 7। तो 5 × 7 इस तरह से उल्टा आ जाएगा। बताओ भाई, चलो करके देखो।